मार्केट ने जब से ऑल टाइम हाई लगाया है, निफ्टी जब से 20,000 के लेवल पे के आसपास तक के पहुँचने की कोशिश की है, वहीं से मार्केट ने एक करेक्शन दिखाया है और यहाँ से कंटिन्यू मार्केट एक डाउन ट्रेंड में ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। अगर आज का भी हम ट्रेडिंग सेशन देखते हैं तो आज भी मार्केट ने एक रेंज बाउंड ही काम किया है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही इंडेक्स एक सीमित दायरे में काम करते हुए नजर आए हैं और निफ्टी इंडेक्स ने भी एक मिला जुला कारोबार यहाँ पर किया है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रजिस्टेंस लेवल कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या रख सकते हैं, कल निफ्टी या बैंक निफ्टी में क्या अपसाइड या डाउन साइड के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रजिस्टेंस लेवल को हमें यहाँ पे देखना चाहिए, तो इसका पूरा एनालिसिस हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों ज़्यादा समय ना लेते हुए हम यहाँ पे आते हैं एंजेवन के वेबसाइट पे और यहाँ पे पूरा निफ्टी के चार्ट का एनालाइज करते हैं कि निफ्टी में इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रजिस्टेंस लेवल कहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे हम एंजेवन के वेबसाइट पे आ चुके हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। अब हम हमारे सामने जो यहाँ पे चार्ट लगा हुआ है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट लगा है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो चार्ट है बैंक निफ्टी का, इसको हम कर देते हैं निफ्टी के चार्ट में। तो आपको यहाँ पे एक निफ्टी देखने को मिलेगा, इस निफ्टी के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऑप्शन चेंज चार्ट लिखा हुआ मिलता है, यहाँ पे चार्ट पे क्लिक करते हैं। आप एंजेवन के वेबसाइट पे भी इसको इजीली लगा सकते हैं। जैसे चार्ट पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पे निफ्टी इंडेक्स का चार्ट लग जाता है। अब आपको यहाँ पे जो टाइम पीरियड दिख रहा है 5 मिनट का, इसको मैं कर देता हूँ 1 आवर 1 डे का कर देता हूँ, ताकि हम जो है कि नेक्स्ट डे के लिए यहाँ पे अच्छा खासा प्रोटेक्शन करना चाहते हैं। 1 आवर का या 1 डे का टाइम पीरियड करने के बाद अब यहाँ से आपको जो चार्ट है काफ़ी आपको बड़ा देखना चाहिए, तो आपको यहाँ पे एक पॉप आउट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये चार्ट हमारे सामने बड़ा हो जाता है, जो हमारे सामने फुल स्क्रीन पे आ जाता है। फुल स्क्रीन पे आने के बाद हम डेटा को यहाँ पे अच्छे से एनालाइज करेंगे और यहाँ पे कुछ सपोर्ट और रजिस्टेंस लेवल को लगाएंगे। तो सपोर्ट एंड रजिस्टेंस लेवल को लगाने के लिए मैं आपके सामने यहाँ से कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करूँगा, जो कि इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस लेवल का काम करने वाली है। तो यहाँ से मैं हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करने के लिए पहले चार्ट को थोड़ा छोटा कर लेता हूं, और हमने यहां पे जो चार्ट में इंडिकेटर्स लगाए हुए हैं, यहां पे बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर का हमने यहां पे यूज़ किया है। एक LM इंडिकेटर है जो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हमें आइडेंटिफाई करता है। अब जैसे कि हम यहां पे चार्ट को स्क्रीन पे लेके आ चुके हैं, अब मैं यहां से कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ प्लॉट करूँगा चार्ट पे। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो आज का हाई पॉइंट था, इसको हम मार्क करके इसको लगा देते हैं। एक दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इसका लो पॉइंट को मार्क करके यहाँ पे लगा देंगे, ताकि चार्ट में हमारे सामने आज का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो हमारे सामने देखने को मिल जाएगा। तो आपको जो देखने को मिलेगा अपसाइड में यहाँ पे 19,800 का एक रेजिस्टेंस बनता हुआ नज़र आ रहा है, और डाउन साइड में आपको 19,700 का एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो इसको थोड़ा चार्ट को हम छोटा कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे स्पष्ट हो जाएगा कि निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या बन रहे हैं। एक और मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करूँगा, जैसे कि हम यहाँ पे जो कैंडल जहाँ से हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है उस पर हम मार्क कर देते हैं, ताकि हमारे सामने एक दायरा पता चले कि अभी निफ्टी इंडेक्स किस लेवल पे काम कर रहा है, किस मोमेंट पे हमें काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपके सामने यहाँ पे दो लाइन देखने को मिलेंगी, एक बना है हमारे सामने 19,800 का एक लेवल, 866 का लेवल है जहाँ पे निफ्टी पहुँचता है, कि वहीं से हमें एक रिजेक्शन देखने को मिलता है, और नीचे साइड में एक सपोर्ट हमें बनता हुआ नज़र आता है जो कि 19,600 का है, और 19,600 से लेके 19,570 का जो एरिया है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर निफ्टी इस एरिया को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग देता है तो हमें निफ्टी में कमजोरी का पहला टिक यहाँ पे देखने को मिलेगा, और यहाँ से हमें निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकती है। अब देखते हैं कि जैसे कि कल है वेडनेसडे और कल निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या हो सकता है। तो जैसे कि निफ्टी का हाई पॉइंट हमें देखने को मिलता है कि 19,800 का इसका एक हाई पॉइंट है, और एक लो पॉइंट जो देखने को मिलता है ये बनता है 19,700 का। मतलब कि आज जो निफ्टी ने कारोबार किया है ये 100 पॉइंट के दायरे में काम करते हुए हमें निफ्टी इंडेक्स देखने को मिला है। अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर मान लो कि निफ्टी इंडेक्स जो है कि ये हाई पॉइंट को ब्रेक कर देता है, अगर हाई पॉइंट को ब्रेक करता है तो इस कंडीशन में जो ऊपर का जो लेवल निकल के आता है 19,800 से लेकर 19,850 का, ये आपके लिए यहाँ से अगला एक रेजिस्टेंस बन के सामने आ सकता है। मतलब कि अगर यहाँ से देखा जाए तो हमें 100 से लेके 150 पॉइंट का एक अपसाइड का हमें मोमेंट ऊपर की ओर देखने को मिल सकता है। और वहीं पे अगर मैं डाउनफॉल की बात करता हूँ, तो अगर मान लो कि निफ्टी जो है ये 19,700 के सपोर्ट को अगर मान लो कि ब्रेक कर देता है, उस कंडीशन में हमें जो डाउनफॉल देखने को मिलेगा यहाँ से भी लगभग हमें 100 से लेके 150 पॉइंट का डाउनफॉल यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो 19,600 का जो लेवल है
जहाँ पे आपको नीचे वाला एरिया देखने को मिलेगा, इस लेवल पे निफ्टी जो है काफ़ी टाइम से वक्त बिता रहा है और यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर 19,600 का लेवल के नीचे अगर निफ्टी ने क्लोज़ कर दिया या मार्केट ने क्लोज़ कर दिया, उसके बाद हमें मार्केट में यहाँ से प्रेशर देखने को मिल सकता है और मार्केट यहाँ से काफ़ी ज़्यादा डाउन ट्रेंड दिखा सकता है। इसके साथ ही अगर MACD इंडिकेटर की बात करते हैं तो MACD इंडिकेटर में भी यहाँ पे एक संतुलित कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इसमें जो हिस्टोग्राम है ये डाउन ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इस कंडीशन में आपको ये दो लेवल ऊपर की ओर और दो लेवल नीचे की ओर आपको डाल कर रखना चाहिए। अगर मार्केट इस दिशा में जाता है तो आप अपने यहाँ से पोजिशन ले सकते हैं। जैसे कि अगर अपसाइड में मार्केट बनता है तो हम यहाँ पर अपसाइड के लिए ऊपर की ओर 19,800 से लेकर 19,850 प्लस के हम यहाँ पे अपसाइड के लेवल देख सकते हैं। और डाउनफॉल में अगर मान लो कि निफ्टी इंडेक्स 19,700 के नीचे सस्टेन करता है तो उस कंडीशन में 19,650 और 19,600 के आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट नीचे की ओर देखने को मिल सकते हैं। और अगर मान लो कि 19,600 का सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर निफ्टी में यहाँ से भारी बिकवाली का प्रेशर भी हावी होते हुए दिखाई दे सकता है। तो निफ्टी के लिए ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वहीं पे अगर आपको बैंक निफ्टी इंडेक्स को अगर देखना है तो बैंक निफ्टी इंडेक्स को देखने के लिए हम यहाँ से कुछ ड्राइंग है इसको क्लियर कर देते हैं पहले तो, और बैंक निफ्टी इंडेक्स को लगाते हैं। जैसे कि हमें यहाँ से वापस क्लिक करना होगा और बैंक निफ्टी इंडेक्स ऊपर आपको देखने को मिलता है। इसके हम यहाँ से चार्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने बैंक निफ्टी का जो चार्ट है ये लग जाता है। अब बैंक निफ्टी का चार्ट की अगर बात करते हैं तो हमने भी इससे डाउन ट्रेंड इससे भी हमने लगा के रखा है। अब किसको हम थोड़ा मार्केट में आपको चार्ट काफ़ी अच्छे से एनालाइज करते आना चाहिए, इसलिए हम चार्ट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो चार्ट को बड़ा करने के बाद आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे बैंक निफ्टी इंडेक्स का चार्ट देखने को मिलता है। बैंक निफ्टी इंडेक्स की अगर बात करें तो निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी इंडेक्स में भी हमें एक संतुलित रेंज में कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं कि आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई करना है तो आप कौन कौन से लेवल्स को यहाँ पे विशेष तौर पे नज़र रख सकते हैं, तो यहाँ से हमें वही काम करना है जो हमने निफ्टी में किया था। कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम इसके टॉप पॉइंट पर रख देते हैं और एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इसके हम बॉटम पॉइंट पर रखेंगे। तो एक बॉटम पॉइंट पर रखने के लिए यहाँ से हम इसको लगा देते हैं। तो अब आपके सामने निफ्टी बैंक निफ्टी का एक लेवल निकल के जाता है। अगर यहाँ से हम मार्क करके देखते हैं तो अप साइड में बैंक निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस है जो कि एक मजबूत रेजिस्टेंस है जो 46,350 या 46,400 तक का हम यहाँ पे मान सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी इंडेक्स 46,400 के लेवल को होल्ड करता है उसके ऊपर निकलता है तो इस कंडीशन में बैंक निफ्टी में एक बड़ी अपसाइड का मूव आ सकता है, बड़ा हमें बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। लेकिन जिस प्रकार से अभी बैंक निफ्टी में कारोबार हो रहा है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहली कैंडल, दूसरी, तीसरी, चौथी कैंडल, पांचवी कैंडल, छठवीं और आपको देखे तो सातवीं, आठवीं, नौ कैंडल, मतलब कि 9 डे से जो बैंक निफ्टी है एक सीमित रेंज में काम करते हुए नजर आ रहा है और यहीं पे मतलब कि एक संतुलित दायरे में काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी के लिए जो एक इंपॉर्टेंट रेंज बनी हुई है ये बना है हमारे सामने 45,500 का एक लेवल। अगर बैंक निफ्टी इंडेक्स जो है कि 45,500 के लेवल के नीचे अगर सस्टेन करना चालू करता है या नीचे क्लोजिंग देना स्टार्ट करता है तो उसके बाद हमें बैंक निफ्टी में काफ़ी बड़ा प्रेशर देखने को मिल सकता है। और अगर ये प्रेशर बन जाता है तो फिर बैंक निफ्टी इंडेक्स जो है ये 45,000 से लेकर 44,500 तक का भी हमें एक सपोर्ट दिखा सकता है। ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं क्योंकि अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो बॉलिंजर बैंड का मिडिल बैंड है ये इसके लिए एक सपोर्ट का काम करते हुए नजर आ रहा है। अगर वॉयस सपोर्ट को ब्रेक करता है बैंक निफ्टी इंडेक्स तो हमें बैंक निफ्टी इंडेक्स में पैसा देखने को मिल सकता है। यहाँ से बैंक निफ्टी इंडेक्स में एक हैवी हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। वहीं पर अगर अपसाइड की बात करते हैं तो अपसाइड के लिए अगर मान लो कि बैंक निफ्टी इंडेक्स जो है ये 45,700 के लेवल को होल्ड करता है तो उस कंडीशन में बैंक निफ्टी में हमें 46,000 से लेकर 46,300 तक के हमें अपसाइड के लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, इन लेवल को आपको विशेष तौर पे नज़र में रखना चाहिए। इसके साथ ही MACD इंडिकेटर की बात करते हो तो MACD इंडिकेटर में उतना कोई खासा यहाँ पे मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलता है। MACD इंडिकेटर जो है वो भी यहाँ पे एक नेगेटिव डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करते हुए नजर आ रहा है। तो आपको जो कुछ दिनों के लिए जो निफ्टी या बैंक निफ्टी के जो लेवल्स हैं इनके ऊपर आपको विशेष नज़र रखनी चाहिए और आपको थोड़ा संभल के काम करना चाहिए क्योंकि अभी मार्केट में एक ऑल टाइम हाई लगा हुआ है और इस कंडीशन में अगर मार्केट में कोई बिकवाली का प्रेशर हावी होता है तो मार्केट में हमें यहाँ से अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये लेवल जो है इन लेवल को आप विशेष तौर पर नज़र रखिए और हम आपके लिए आगे अपडेट लेके आएंगे। तो ऐसी अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।